तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर जो है सो नेगेटिविटी बोलने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, जहाँ भी आप जाइएगा, जिस भी काउंटर पे, अरे ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, अलग अलग तरह की समस्याएं का लेकिन समाधान आपको अपने दिमाग से, अपने क्वालिटी पे, अपने को, अपने प्रोडक्ट पे वो चीज़ों को चेक करना है कि हाँ मेरा वास्तविक में सही है या नहीं है। अगर है तो किसी के बोलने पर नहीं जाता है, जाना है कि आपको उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मेरा प्रोडक्ट खराब है। पहले आपको अपने ऊपर वो चीज़ डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ कहीं पे हो पाएगी। जैसा कि क्या होता है मार्केट में, ज़्यादातर नए व्यवसायियों के साथ जो भी लघु उद्योग स्टार्ट करते हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि मार्केट से वो डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी होलसेलर के पास जाते हो, किसी भी रिटेलर के पास जाते हो, तो उनका मोटिव ये होता है कि आपसे कैसे भी करके वो सस्ता से सस्ता मटेरियल या कोई भी सामान खरीद ले। इसके लिए उनको चाहे कुछ भी बोलना पड़ जाए कि आपका सामान अच्छा नहीं है, ये है, वो है, तो वो एज अ कस्टमर उनका काम होता है बोलना। परंतु ज़्यादातर जो नए व्यवसायी होते हैं वो यहाँ पे ही मात खा जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा सामान ही ख़राब है या ये है वो है, उनको लगता है कि गलत जगह आ गया है ना, मेरा सामान गलत बन रहा है या कोई, मतलब बहुत तरह की निगेटिविटी भर जाती है। परंतु ऐसा होता नहीं है। एज अ कस्टमर हर कोई चाहता है कि मुझे कोई भी मैं प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा हूँ वो मुझे 2 रुपया सस्ता मिल जाए। उसके लिए उनको जो भी बोलना पड़ता है कुछ, जैसे कई बार जो परफ्यूम हम लोग सप्लाई देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको अच्छा लग रहा है फिर भी वो बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ताकि कुछ ना कुछ हम उनको ये कर दें। हाँ, डिमोरलाइज कस्टमर का ये होता है, आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करके प्राइस कम करवा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं, तो उनको ये समस्याएं आती है। तो इन चीजों से आपको, इन चीजों से हमेशा दूर रहना है, बच के रहना, क्योंकि बच के रहना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी काउंटर पे आप जाइएगा, भले उसका सेल हो रहा है, आपसे उनको परचेज करना है, लेकिन वो इस तरह की बात तुरंत सामने ला देगी कि आपके प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी कम है या फिर क्वालिटी बेहतर नहीं है, आप इसको जो है थोड़ा और बेहतर कीजिए, आपसे बेहतर देखिए इस प्राइस में मुझे ये ना ये दूसरी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। मेरा प्रोडक्ट अगर राइट है तो वो चलेगा ही चलेगा, वो किसी के आपको नेगेटिविटी भरने से ऐसा नहीं सोच लेना है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है या फिर मेरा उस रेंज उस प्राइस में मैं अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आप खुद में देखिए कि क्या कमी है या क्या पॉजिटिविटी है। कोई भी चीज़ खुद से स्टार्ट होता है, जब तक आप खुद अपने आप में वो बिल्ड डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़, कई काउंटर पे जाइएगा आप, 10 काउंटर पे, जरूरी नहीं है कि 10 काउंटर पे आपको बोलेगा हाँ हाँ अच्छा है दीजिए, 10 काउंटर पे जाइएगा तो सिर्फ उसमें से 3 काउंटर पे आपको बोला जाएगा कि ठीक है आप दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो और भी 2 काउंटर मिल जाएगा आपको, 3 में से 10 में से 5 हो जाएगा, फिर से आप नेक्स्ट टाइम जाइए। ऐसा करते करते धीरे धीरे एक ही बार में कहीं भी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ ना आज तक हुआ है ना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप करते रहिएगा कंटिन्यू तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं, पॉसिबल हर कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये जरूर है मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, फील्ड वर्क है, जो भी आप अपने स्केल के हिसाब से, आप अगर बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप सेल्समैन एज द रख सकते हैं और बहुत सारे मतलब यूनिट बना के काम कर सकते हैं अलग।